गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल चिबा चकमा ब्लॉग्स। तो सुबह सुबह उठने के साथ साथ दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं आप लोगों को दिखा देता होगा। ये देखो हमारा जो घर स्वीट सा घर होता है ना दोस्तों, ये जो है रिपेयरिंग कर रहे हैं। हमारा बीजू फेस्टिवल भी आ रहा है, इसी वजह से रिपेयरिंग करना पड़ रहा है दोस्तों। ये दिन बुझे पूरा खत्म हो चुका है देखो दोस्तों, इसी वजह से रिपेयरिंग करना पड़ रहा है। वैसे भी अपना बीजू फेस्टिवल आ रहा है, दोस्त लोग घूमने के लिए आएंगे, इसी वजह से ना ये देखो अभी जो है रिपेयरिंग हो रहा है। ये देखो इधर में जो है बेम्बू रख दिया है, और इधर ये जो है ये भी बेम्बू से बिछा देंगे दोस्तों, ये इससे करके बिछा देंगे तो आराम से हो जाएगा ना गाइस। ये देखो हमारा बीजू फेस्टिवल भी आ रहा है गाइस, इस वजह से जल्दी जल्दी रिपेयरिंग करना पड़ रहा है। अभी जो है हमारा बीजू फेस्टिवल आने में ज़्यादा टाइम नहीं है गाइस, और ज़्यादा डेट भी नहीं है, इसी वजह से जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। ये देखो इधर में इतना ख़राब हो गया ना गाइस। ये देखो बारिश के मौसम में जो है पानी गिरता है ना, इसी वजह से जो है ये बेम्बू जो है पूरा ख़त्म हो गया गाइस। ये देखो इतना क्या क्या हो गया, ये देखो ना गाइस पूरा जो है टूट गया, इसी वजह से जल्दी जल्दी ठीक करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में आते पूरा जो है पानी पानी होता है घर में, इसी वजह से ये देखो अभी जो है नहीं गिरता है गाइस। हम लोग मेरा ब्लॉग में देखा होगा, पापा के साथ हम लोगों ने रिपेयरिंग किया था ये भी छत भी, और ये भी रिपेयरिंग करना पड़ रहा है आज। उधर उधर पर जो है मेरा बहन नूडल्स बना रहे, वो देखो आराम से खाएंगे। तो इधर पे जो है अभी जो है ये भी जल्दी जल्दी ठीक करना पड़ेगा। ये देखो दोस्तों वाह, ये बेम्बू जो इधर में रखना पड़ा दोस्तों, ये जो है बिछा देंगे इधर पे रखना पड़ा दोस्तों, जगह नहीं है ना इसी वजह से इधर पे रखना पड़ा, तो बाद में जो है बिछा देंगे यहाँ पे। ये देख सकते हैं गाइस इतना सारा बेम्बू लगता है, बोलो ही मत। ये देखो इधर पे जो है इतना ख़राब हो गया ना गाइस, बोलो ही मत, पानी गिरता है इसी वजह से। ये देखो ऐसे करके रिपेयरिंग करेंगे हम लोग, तो आशा अच्छे हो जाएगा ना। बाद में जो है हमारा बीजू फेस्टिवल भी आ रहा है, जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं है वैसे भी हमारा बीजू फेस्टिवल आने में, तो जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है गाइस। ये देखो हमारा घर क्या हालत हो चुका है। ये बेम्बू देख रहे हो ना गाइस, ये बेम्बू जो है ऐसे लाइन करके देना पड़ता है गाइस, फिर अपना जो ये बेम्बू हम लोग जो बोलते हैं लोकल भाषा से साजा गाइस, इसको जो है ऐसे करके बिछा देना पड़ता है, ये पहले देना पड़ता है गाइस, फिर ये हमारा साजा, हमारा लोकल भाषा से साजा बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट सेक्शन में तक तक करके बताना, ठीक है। अभी जो है ये लाइन करके देना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे होके और ऐसे होके देना पड़ता है गाइस एंडिंग में। ये देखो गाइस हमारा दादी भी आ चुका है हमारा घर देखने के लिए। हेंजान पर भैया मांगोरान क्या क्या बोलता है गाइस, ये देखो हमारा घर में खाना नहीं खाएगा बोलता है। ये देखो पूरा खत्म हो गया ना इसी वजह से। ये देखो गाइस हमारा दादी आ चुका है, हाय बोलो बे, हाय हो दे, हाय। ये देखो गाइस हमारा घर बेम्बू नहीं है, बेम्बू खत्म हो गया, बात नहीं दे, नहीं जानता हूँ यार, न जानूंगे अभी जो है अपना जो साजा होता है ना गाइस, अभी जो है बिछा दे रहे हैं इधर से। ये देखो अभी जो है और बाकी है गाइस, उधर पे बाकी है और इधर पे भी बाकी है गाइस, इतना सारा खराब हो गया है गाइस, बोलो ही मत। ये देखो अभी जो है अच्छा हो जाएगा, ये देखो गाइस चलने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस, ये देने के बाद जो है वाह इतना खराब हो गया गाइस, बोलो ही मत। हमारा आज भी फेस्टिवल आ रहा है, वैसे भी जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, और मम्मी भी आ चुका है गाइस, बाजार पे गया था, हमें लेके आ दिया है, बाद में खाऊंगा। ये सबसे पहले ये रिपेयरिंग करते हैं गाइस। ये देखो अपना दोस्त मुझे हेल्प कर रहा है, ये देखो गाइस हमारा घर। अभी जो है मम्मी खाना बना रही है गाइस, और क्या क्या बना रही है आप लोगों को दिखा देता हूँ। इधर पे यही माँ ओ, इधर पे जो है मछली गाइस, इधर पे जो है क्या है उधर पे लौकी की साग और लौकी, और आप लोगों को दिखा दूँ गाइस हम लोग जो घर के रिपेयरिंग किया था, आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस। ये देखो पूरा अच्छा हो गया गाइस, ये देखो बाद में जो है पूरा जो है ख़राब हो गया था ना, अभी जो है इतना अच्छा हो गया गाइस, बोलो ही मत। ये देखो बहुत अच्छा हो गया अभी गाइस, अभी जो है मम्मी खाना बना रही है। इधर पे चावल भी हो गया गाइस, बट जो भी होता है, तो इधर पे जो है सब्जी बना रही है, इधर पे जो है छोटा छोटा मछली। तो अभी जो है मम्मी खाना निकाल दिया है गाइस, सभी लोग बैठ चुके हैं, इधर पे मेरा थाली भी आ चुका है गाइस, लौकी और यहाँ पर जो है आलू मम्मी ले रही है, मैं बाद में ले लूंगा गाइस, दे दो मैं ले लेता हूँ। आलू और ड्राई फिश के साथ बनाया है गाइस मिक्स करके, जूल भी ले लेता हूँ थोड़ा सा।
आज का ब्रेकफास्ट करते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है। सुबह में थोड़ा थोड़ा सा चाउमीन खाया था बस। बहुत ज़्यादा हवा आ रहा है गाइस, देखो बारिश देगा लगता है। खाओ। तो अभी दोपहर की एक बजने वाला है गाइस, लेकिन देख सकते हैं पूरा जो है खला बदल चाया हुआ है, लेकिन बारिश देगा लगता है गाइस। ये देख सकते हैं अपना जो इधर पे घर है हमारा छोटा सा प्यारा सा घर, और इधर पे जो है आम के पेड़ गाइस। लेकिन बारिश देने के बाद जो है दोस्तों पूरा जो है डर लगता है, तूफान आने के बाद जो है डर लगता है गाइस, मुझे ये गिर ना जाए ना। ये देख सकते हैं पूरा रिस्की है यार। ये देखो ऊपर से देखा था आप लोगों को, ये देखो गाइस पूरा जो है रिस्की है। ये है अपना घर, ये जो अपना घर के सामने जो है ये इतना बड़ा बड़ा आम के पेड़ गाइस, लेकिन आम भी नहीं लगाए गाइस। ये देखो ना, ये देखो आम भी नहीं लगाए इस साल जो है। लेकिन पापा जो खाने के लिए बोला था गाइस, थोड़ा ग्रास रहे है, बाद में जो है बारिश देगा लगता है गाइस। उधर पे जो है उधर का मेरा बाइक के बेटा, ये देखो गाइस पूरा जो है शरारत करता है, अपना जो लाइट है ना गाइस उसको जो है घर में ले जाना पड़ेगा, बारिश देगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। ये देखो अपना लाइट ये इसे जलाते है गाइस, हम लोगों के घर में तो करंट नहीं ना, इसी वजह से इधर पे हजारों का हाय बोलो हजारों हाय। पूरा जैसे इतना शरारत करता है गाइस, बोलो ही मत। ये देखो कहाँ पर बेटा है, ये देखो गाइस अपना जो लाइट है गाइस घर में लेके जलता हूँ, अभी जो है बारिश देगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। ये देखो इतना काला बादल छाया हुआ है, पूरा जो है बादल गरज रहा है गाइस, इतना बारिश देता है ना। लाइट हुआ इधर पे रख दिया है गाइस, और अपना घर जो है इधर पे देख सकते हैं गाइस, हमारा प्यारा सा घर, और इधर पे मेरा सामान गाइस पूरा जो है बिखरा पड़ा है। इधर पे पावर बैंक, इधर पे ये देखो गाइस पुराने जमाने का पैसा, ये एक रुपया गाइस, ये देखो मेरा दादी ने दिया है ये पैसा जो है, अभी मैं अच्छे से रखूँगा गाइस दादी की निशानी ना। इधर पे जो है अपना तकिया भी है गाइस, आराम से रख लेता हूँ इधर पे, और अपना कपड़ा जो इधर पे रख दिया गाइस, पूरा जो है बिखरा पड़ा है। मम्मी भी नहीं है गाइस, सब्जी ढूंढने के लिए गया है, और मेरा बहन पता नहीं कहाँ पे घूम रहा है। इधर पे मेरा सामान पूरा जो है बिखरा पड़ा है गाइस, हमारा बिजू फेस्टिवल भी आ रहा है, जल्दी जल्दी से अपना जो समेटना पड़ेगा हमको जो है अपना सामान, तो बाद में जो है समेट लेंगे ना गाइस। अभी जो है बिजू आने में जो है ज़्यादा टाइम नहीं है वैसे भी। इतना बिखरा पड़ा हुआ है अपना सामान जो है गाइस, काम करने वाला कोई भी नहीं है यार। अभी जो है खाना बना भी खा लिया है गाइस, और खाना बना खाते ही मम्मी क्या कर रही है देखो गाइस, केसवा पोटैटो जो है रोस्टिंग किया है, अभी जो है खाएंगे गाइस केसवा पोटैटो। बहुत दिनों के बाद गाइस खाने को नहीं मिला है, आज खाने को मिलेगा। तो वहां पर जो है पापा राइस बियर बना रहे है गाइस, हमारा बिजू फेस्टिवल आ रहा है ना, इसी वजह से राइस बियर बना रहे है। ये देखो गाइस राइस बियर के बिना जो है हमारा बिजू आधा अधूरा है गाइस, इसी वजह से राइस बियर बना रहे है। और यहाँ पर थोड़ा सा ले लिया है गाइस, एक टेस्टिंग करता हूँ ना कैसा हुआ है ना गाइस। यहाँ पर जो है रोस्टिंग किया है मम्मी ने, तो आप ही टेस्टिंग करके देखता हूँ गाइस। ये देखो बहुत ही गर्मी है यार, लेकिन स्वादिष्ट तो है गाइस ना मम्मी सोदा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर न तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, बाय गाइस। तो अभी जो है यहाँ पर एक तो यार